हेलो नमस्कार दोस्तों, 19 जुलाई 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, तो एक बार नजर मार लेते हैं कि आज कौन कौन से एडिटोरियल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे साइड में जो एडिटोरियल आया है ये बेसिकली आया है यूएसए और जो रशिया के बीच में भी मीटिंग हुई है उसको लेके आया, तो इसके बारे में दो चार पॉइंट्स हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि ऑल ओवर ग्रिड पे ग्लोबल लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वर्ल्ड पे, उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। फिर यहाँ पे जो बड़ा आर्टिकल है ये एक्चुअली आया है कि भाई इंडिया में जो लैंग्वेज है ना वो बहुत जल्दी खत्म होती जा रही है, मतलब काफी सारी लैंग्वेज है, बहुत सी लैंग्वेज ऐसी जो लगातार खत्म होती जा रही है, गवर्नमेंट उन पर फोकस नहीं कर रही है, उनको उनको एक तरीके से फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को, किस तरीके से इंग्लिश है वो लगातार फैलती जा रही है, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस वो किया गया है, थोड़ा इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फिर यहाँ पे साइड में जो एक और छोटा एडिटोरियल है ये आया है, बेसिकली यहाँ पे आया है कि केरला के अंदर जो फिश का इश्यू हुआ था कि वहाँ पे फिश में फॉर्मेल्डिहाइड की मात्रा काफी भारी मात्रा में पाई गई थी, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस है वो किया गया है, तो उसको भी यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे ये जो एडिटोरियल है ये आया है एक्चुअली इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस को लेके, तो इस एडिटोरियल को हमने काफी बार डिस्कस किया है पहले, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत से एडिटोरियल यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, कुछ खास पॉइंट है नहीं, तो इसे हम यहाँ पे बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी जो कुछ कंटेंट था सारा डिस्कस कर लिया, रिवाइज भी कर लिया, तो कुछ भी कोई भी नया पॉइंट यहाँ पे नहीं है, वही सारी बातें रिपीट की गई हैं कि इस इंस्टीट्यूट को गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया वगैरह वगैरह, कुछ भी काम का इसमें हमारे लिए फिलहाल नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी इन चीजों को डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे जो एडिटोरियल है वो हमारे लिए कुछ काम करनी है, हमसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे जो एडिटोरियल है ये काफी इंपॉर्टेंट आ जाता है, ये आ जाता है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसके अंदर लोगों का फेथ होना बहुत जरूरी है, जब तक लोगों का वोटिंग मशीन में भरोसा नहीं होगा ईवीएम वगैरह में, तब तक हमारे देश में डेमोक्रेसी को एक तरीके से सबसे अच्छे स्ट्रॉन्ग बताना कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो ये एडिटोरियल है ये जो आर्टिकल आया है ये एक्चुअली आया है इंडिया और चाइना रिलेशन को लेके, इसमें एक्चुअली दो या तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है और एक बेसिकली पॉइंट है वो प्रीलिम्स के नजरिए से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसके लिए आप यहीं पे उसको नोट डाउन कर सकते हो, बाकी ज्यादा कुछ नोट बनाने की इसमें कुछ कंटेंट है नहीं, तो आपको मैं यहीं बता देता हूँ कि इस एडिटोरियल में बेसिकली है क्या। इसमें देखो सबसे पहले ये बताया गया कि अभी आपको बताया कि रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही हमारे भारतीय प्रधानमंत्री और जो चाइना के प्रधान जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग वो दोनों आपस में मिले थे, उनके बीच में मीटिंग वगैरह हुई थी, समिट वगैरह हुआ था, तो अब उसी को लेकर यहाँ पे डिस्कस किया गया कि उस टाइम पे 2+1 डायलॉग हुआ था, ध्यान रखना 2+1 डायलॉग की यहाँ पे बात की जा रही है, 2+2 डायलॉग तो था वो तो था इंडिया और यूएसए को लेके, और 2+1 डायलॉग है इसका मतलब है इंडिया और चाइना को लेके, तो ये चीज आपको फिल्म के लिए इंपॉर्टेंट है वो ध्यान में रखनी है। यहाँ पे 2+1 का इंपॉर्टेंट कुछ अलग है थोड़ा, 2 का मतलब तो यहाँ पे होगा इंडिया और चाइना, तो दो तो ही होगी, और +1 का मतलब यहाँ पे लिया गया था नेपाल, तो अभी इस एडिटोरियल में इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि भाई इंडिया की जो इंडिया और चाइना के साथ जो +1 वाला कॉन्सेप्ट था जिसमें कि नेपाल था उसको हमें बाकी और अदर कंट्रीज के साथ भी शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि नेपाल ही हमारे साथ एक ऐसा स्टेट नहीं, और भी बहुत सारे स्टेट होते हैं जो कि हमारे इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशन को इंप्रूव करने के लिए काफी हद तक हमारे लिए साबित है, अच्छे साबित हो सकते हैं, तो वो बात यहाँ पे राइटर के द्वारा बताई जा रही है कि भाई हमें नेपाल की जगह बाकी अदर जो कंट्रीज हैं उनको भी शामिल करना चाहिए, भूटान हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, मतलब बाकी और कंट्रीज को भी हम साथ लेके चलेंगे तो 2+1 डायलॉग ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। और इसके बाद इसमें बताया जा रहा है कि अगर देखो आज का टाइम देखा जाए तो वो मेनली एशियन कंट्रीज का टाइम है, एशियन कंट्री के पास काफी बड़ी इकोनॉमी है, भारी तादाद में काफी बड़े रिसोर्सेज भी आज के टाइम पे एशिया के पास हैं, अगर इंडिया और चाइना दोनों अगर आपस में अपने इश्यूज को छोड़ के अगर वही बात है डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट है वो सभी कंट्रीज को मिलने वाला है और दोनों कंट्रीज को भी काफी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, अदरवाइज दोनों कंट्री एक दूसरे से कंपटीशन करते हुए रह जाएंगी और जो बेनिफिट है वो कोई और लेके जा सकता है, तो इसलिए फोकस इस चीज पे करना चाहिए कि इंडिया और चाइना दोनों को एक साथ मिलकर गाना चाहिए, रशिया के पास भी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो मतलब अगर ये कंट्रीज एक साथ मिलकर आती हैं तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट है वो एशिया को मिलेगा और एशिया की जो माली हालत खराब थी उसमें काफी चार चांद यहाँ पे लग सकते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया कि अगर दोनों कंट्रीज को कैसे कैसे स्टेप उठाने हैं, जो भी उनके कॉमन इश्यूज है लैंड वगैरह को लेकर या फिर बाउंड्री वगैरह के, उनको जल्द से जल्द सेटल वो करना चाहिए ताकि रिलेशन को और ज्यादा आगे लेके जा सके, उसके बारे में यहाँ पे आर्टिकल में डिस्कस वो किया गया, तो इसमें जो दो चार पॉइंट्स थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अब चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे यूएसए और रशिया रिलेशन को देखें। देखो यूएसए और रशिया के बीच में जो रिलेशन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं यूपीएससी एग्जाम में क्योंकि दोनों ही आपको पता है कि वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज में आती हैं, अगर दोनों ही कंट्रीज की हम बात करें तो दोनों के बीच में अगर रिलेशन अच्छे होते हैं तो कहीं ना कहीं जो ऑल ओवर जो ग्लोबल ऑर्डर की बात करते हो वर्ल्ड ऑर्डर की उसमें काफी सारे चेंजेस आएंगे और काफी हद तक जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा इश्यू है उसमें भी एक तरह से समाधान हो सकता है, क्योंकि आपको पता है
यूएसए और रशिया के बीच में बात करें तो जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, इवन आप देख सकते हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो गई थी और उसके बाद रिलेशन और ज्यादा बिगड़ गए थे। उसके बाद आपको पता है किस तरीके से यूएसए ने नाटो का निर्माण किया था, तो उसमें नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी को बनाया गया था, इसके साथ ही कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था और लास्ट में रिजल्ट ये निकला था कि 1990 और 1991 का जो टाइम था, इस टाइम पे यूएसएसआर है वो टुकड़ों में टूट गया था और एक और कंट्री भी बन गई थी और यूएसएसआर मतलब कहीं ना कहीं यूएसएसआर की पावर वो कम हो गई थी, वो सारा सीन यहाँ पे हुआ था। बात यहाँ पे की जा रही है कि देखो यूएसए वो है कैपिटलिस्ट कंट्री, मतलब वहाँ पे पूंजीवाद को प्रमोट किया जाता है, जबकि रशिया है वो है सोशल कंट्री, वहाँ पे समाजवाद को ज्यादा वैल्यू है वो दी जाती है। इसलिए दोनों कंट्रीज की जो आइडियोलॉजी है ना उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है और इसी आइडियोलॉजी की वजह से कहीं ना कहीं यूएसए और जो रशिया है उन दोनों के बीच के रिलेशन है वो ज्यादा अच्छे नहीं रहे, क्योंकि ये आइडियोलॉजी दोनों के जस्ट अपोजिट है। कि आपको पता है कि पूंजीवाद है वो एक तरह से समाजवाद का जस्ट अपोजिट होता है और समाजवाद वो पूंजीवाद का जस्ट अपोजिट है, तो अगर दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है तो दोनों के बीच में तालमेल बैठाना काफी मुश्किल हो जाता है और यही सबसे बड़ा इश्यू है वो रहा था। फिर यहाँ पे राइटर ये बता रहे हैं कि देखो जब ट्रंप साहब इलेक्ट होके थे 2016 के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे, तब उन्होंने काफी सारे वादे किए थे कि भाई अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूँ तो यूएसए के जो रशिया के साथ रिलेशन है उनको इम्प्रूव किया जाएगा, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये बेनिफिट वगैरह किए जाएंगे, टीसीटीसी बातें कही थी कि अमेरिका फर्स्ट जैसी बातें कही थी, तो ट्रंप उन बातों को धीरे धीरे पूरा कर रहे थे। बट इलेक्शन के बाद आपको पता है क्या इशू हुआ था, उस इशू सबसे बड़ा ये उठा था कि भाई रशिया ने एक्चुअली जो साइबर अटैक है, जैसे साइबर क्राइम है, उसकी हेल्प से एक्चुअली ट्रंप की हेल्प की थी उनके द्वारा और फिर ट्रंप उन्होंने जीता, ऐसे ऐसे आरोप लगे, उन सारे आरोपों को खारिज वगैरह कर दिया गया था, वो सारा सीन चला था। तो अभी देखो ट्रंप है, ट्रंप ने जो वादा किया था कि भाई मैं रशिया के साथ रिलेशन इंप्रूव करूंगा, उसी दिशा में कदम बढ़ाया गया और अभी एक मीटिंग है, फिनलैंड की कैपिटल है वहां पे एक मीटिंग है वो की गई थी, तो ये हमें पता होना चाहिए कि मीटिंग हुई कहाँ थी, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। हेलसिंकी एक जगह है, फिनलैंड की कैपिटल है बेसिकली ये, फिनलैंड कहाँ पे आपको मैप में देखना है, तो ये कैपिटल में जो फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, यहाँ पे अभी रशिया के जो राष्ट्रपति और आप बोल सकते हो कि यूएसए के राष्ट्रपति उन दोनों के बीच में बातचीत है, वो मीटिंग है वो हुई थी। तो देखो इसकी मीटिंग की सारी बातें तो ओपनली डिस्क्लोज नहीं की गई हैं, बट जो दो चार पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं कि काफी ज्यादा दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे, तो उनको भी देख के, बातचीत को देख के ऐसा लग रहा है कि शांति स्थापित हो जाएगी और रिश्ते और ज्यादा अच्छे पहले से हो जाएंगे। देखो आज के टाइम पे देखा जाए तो सीरिया का इश्यू ले सकते हो आप, अफगान का इश्यू ले सकते हो, इवन इराक का इश्यू ले सकते हो, ईरान सॉरी, इन कंट्रीज की वजह से देखा जाए तो यूएसए और रशिया के रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, क्योंकि आपको पता है सीरिया के अंदर एक्चुअली ईरान, सीरिया के अंदर देखा जाए तो यूएसए तो वहां पे एक जस्ट अपोजिट काम कर रहा है और देखा जाए तो रशिया है वो एक्चुअली वहां पे सीरिया की हेल्प वो कर रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं दोनों के बीच में तकरार यहाँ भी बनी हुई है। अफगानिस्तान के मुद्दे की बात करें तो आपको पता है कि जो रशिया है वो तो तालिबान को सपोर्ट कर रहा है और बात करें हम यूएसए की, वो तालिबान का विरोध कर रहा है पुरजोर विरोध, तो हम लोग यहाँ भी कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के घोर विरोधी दिखते हैं। बात करें ईरान न्यूक्लियर डील की, तो ईरान न्यूक्लियर डील में देखा जाए तो ओबामा साहब के द्वारा ये करवाई गई थी बेसिकली, और इसमें जो पुतिन साहब है, आप बोल सकते हो कि रशिया के जो प्रेसिडेंट है उनको साथ लेके चला गया था, तभी ये डील है वो संभव हो पाई थी, बट अभी ट्रंप ने इस डील को कैंसिल कर दिया तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इश्यूज काफी सामने आ जाते हैं, तो मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में इश्यूज वो कहीं ना कहीं ज्यादा ही है। इसके साथ ही बात करें तो दोनों कंट्रीज हैं वो वर्ल्ड की टॉप न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं, दोनों के पास भारी मात्रा में न्यूक्लियर वेपन है, यूक्रेन का क्राइसिस हुआ था उसकी वजह से यूएस ने एक्चुअली यहाँ पे रशिया को आइसोलेट करने की पूरी पूरी कोशिश की और बहुत सारे स्टेप भी बनाए गए थे, इसी के साथ यहाँ पे G8 से G7 ग्रुप वो बना दिया गया था, तो मतलब कहीं ना कहीं रशिया को आइसोलेट करने की पूरी कोशिश वो की गई थी। बट अभी इस मीटिंग को देख के ये लगा है कि भाई दोनों के बीच में रिलेशन है वो अच्छे हो सकते हैं और अगर दोनों के बीच में रिलेशन अच्छे हो रहे हैं तो उसका बेनिफिट दोनों कंट्रीज के अलावा ऑल ओवर वर्ल्ड को ही मिलने वाला है। तो राइटर ये कह रहे हैं लास्ट में वे फोर्ड में कि देखो भाई दोनों ही कंट्रीज को है ना एक बैलेंस अप्रोच लेके चलनी होगी, दोनों ही कंट्री को थोड़ा थोड़ा अपनी साइड से झुकना होगा, इसके बाद ही प्रॉपर सॉल्यूशन आ सकता है। झुकने का मतलब यहाँ पे है कि दोनों कंट्रीज जब तक बातचीत नहीं करेंगी तब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला, लड़ाई से आप कब तक सोल्यूशन निकालोगे, लड़ाई आपने पहले भी करके देख ली है, तो बेटर यही है कि अभी बातचीत की जाए इस इश्यू पे और जो भी प्रॉपर समाधान होते हैं दोनों कंट्रीज के लिए उन समाधान की तरफ अग्रसर है वो हो जा सके। हमें सीखना चाहिए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया से कि इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, जैसे आप कह सकते 36 का आंकड़ा था, उसके बाद भी दोनों कंट्रीज आज एक दूसरे के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं हमें वहां से एक सीख लेनी चाहिए कि बातचीत है उसके द्वारा कोई ना कोई स्कोप हमारे पास बनता है कि हम रिलेशन को इंप्रूव है वो कर सकते हैं, तो इस दिशा में हमें कदम है वो बढ़ाना चाहिए, ये यहाँ पे बातें वो की गई हैं। बात करें नेक्स्ट आर्टिकल की जो किया है मैंने, तमिलनाडु और केरला के अंदर भी इशू ये था कि फिश थी उसके अंदर फॉर्मेल्डिहाइड है वो पाया गया था। अब देखो फॉर्मेल्डिहाइड होता क्या है पहले वो थोड़ा देख लेते हैं। देखो हमने लेबोरेटरी वगैरह में काफी बार उन जब बायोलॉजी की लैब होती उसमें देखे थे कि जो छोटे छोटे जीव जंतु वगैरह होते थे उनको एक सोल्यूशन के अंदर एक बोतल वगैरह में रखा जाता था, तो जो सोल्यूशन होता था वो होता था एक्चुअली फॉर्मेल्डिहाइड का, इस तरीके से आप इस चीज को ध्यान में वो रख सकते हो। अब उस सोल्यूशन का मेन फीचर क्या होता है, उसका फीचर ये होता है कि वो एक्चुअली जो इन्वायरमेंट के जो खतरनाक जो आप बोल सकते हो जीवाणु कीटाणु
वगैरह है, बैक्टीरिया वगैरह, उनको एक्चुअली मरी हुई डेड बॉडी है उस तक पहुंचने नहीं देता, मतलब कहीं ना कहीं जो डेड बॉडी है उसको प्रिजर्व करके रखता है, इसलिए फॉर्मेलडिहाइड का बेसिकली यूज वो किया जाता है। तो आपको पता है कि फिश है वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है पानी के बाहर, तो इसलिए उसको बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए, ताकि लंबे टाइम तक फिश से वो सुरक्षित हो सके, फॉर्मेलडिहाइड का यूज वो किया जाता है। बट इश्यू क्या आया, इश्यू ये आया कि अगर फिश को फॉर्मेलडिहाइड में रखा जाता है तो अगर जो फॉर्मेलडिहाइड की अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो वो कहीं ना कहीं फिश के अंदर घुस जाती है, और फिर वो कहीं ना कहीं बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन के तहत हमारी फूड चेन में घुस जाती है, जिससे क्या होता है कि हमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। तो फॉर्मेलडिहाइड का जो यूज है फिश वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए, उसके लिए जो मापदंड वगैरह वो तय किए गए हैं, गाइडलाइंस वगैरह तय की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, इवन इंडिया के जो FSSAI है, फूड अथॉरिटी है, उसके द्वारा भी गाइडलाइन है वो तय की गई है। देखा जाए तो इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर है, उसके द्वारा भी गाइडलाइंस वगैरह सब कुछ क्लियर किया गया है, और इवन जो मात्रा है वो भी फिक्स की गई है कि भाई 10 मिलीग्राम की मात्रा यहाँ पे फिक्स आउट की गई है। तो ये तो आपको ध्यान नहीं रखना है, बट आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि फॉर्मेलडिहाइड का बेसिकली यूज वो बैन किया गया है, बट फिर भी इसका आप बोल सकते हो कि लीगल तरीके से यूज वगैरह हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को लेके, हमारे लीवर और किडनी को ज्यादा इफेक्ट करता है, तो उसी इश्यूज की वजह से भी सारा मामला सामने आया था। तो भी राइटर के द्वारा ये कहा जाता है कि देखो FSSAI है ना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको अपनी गाइडलाइन है उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, रूल रेगुलेशन को थोड़ा टाइट रखना चाहिए, इसी के साथ ही अगर कहीं भी इसका मिसयूज वगैरह हो रहा है तो उनके लाइसेंस वगैरह को कैंसिल करना चाहिए, मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने चाहिए ताकि इसका जो इलीगल यूज है या जो अवैध यूज है या फिर जिसका मिसयूज हो रहा है फॉर्मेलडिहाइड का, उसको खत्म किया जा सके, क्योंकि अगर एक बार हमारी फूड चेन में ये चीज़ें एंटर कर गई तो फिर हमें काफ़ी लंबे खामियाजे यहाँ से भुगतना पड़ सकता है, जो कि हमें एक महंगी कीमत के तौर पर चुकाना पड़ेगा। यहाँ पे कंप्लीट बात इस आर्टिकल में की गई है। फिर यहाँ पे बात आती है EVM और VVPAT की। देखो EVM का होता है, आपको आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, VVPAT है वो होती है वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ये एक तरीके का एक मशीन होती है वे भी, जो कि EVM के साथ टच ही होती है। इसमें होता क्या है, जब भी हम EVM पे कोई बटन दबाते हैं किसी कैंडिडेट को इलेक्ट वोट देने के लिए, तो इस जो VVPAT मशीन है ना, इसके अंदर एक ग्लास या स्क्रीन होती है, वहां पे हमें दिख जाता है पर्ची टाइप में कि भाई हमने इसी आदमी को वोट दिया, तो हम इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं कि जिस बटन को हमने दबाया वो वोट किस आदमी को गया, सही गया नहीं गया, तो ऐसे ये इसमें बेसिकली प्रोसीजर होती है। फिर जो स्लिप सी होती है इसमें, वो क्या करती है, उसी बॉक्स होता है इसके पास, उसमें मतलब गिर जाती है वहां पे। अब इसमें फिर होता क्या, लास्ट में ये होता है कि ईवीएम की काउंटिंग कर लेते हैं और उन स्लिपों की काउंटिंग करते हैं, जो पर्ची है ना इस वीवीपैट मशीन की उनकी, तो फिर उनको देख लेते हैं कि बराबर है, सही है नहीं है, जिससे पता चल जाता है कि हाँ भाई इलेक्शन सही हुए नहीं हुए। ये बेसिकली अभी नई प्रोसीजर है जिसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो अभी राइटर ये यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो अभी लास्ट ईयर जब भी इलेक्शन हुए थे, जब लास्ट टाइम यूपी में इलेक्शन हुए थे अभी, तो उस दौरान काफी बड़ा इशू उठ के आया था, और अभी भी जो पॉलिटिकल पार्टियां विपक्षी वो क्या कर रही हैं कि भाई ईवीएम है उसका यूज बंद कीजिए और जो पुराना सिस्टम था उसको यूज कीजिए, ये बातें सामने आती। जो बैलेट पेपर वाला सीन होता था ना, जिसमें पर्ची मिलती थी उस पर ठप्पा लगा के काम करना होता, उसको वापस स्टार्ट करने की बात है वो की जा रही है। तो देखो इलेक्शन कमीशन ने क्लियर कह दिया कि देखो ये तो बेवकूफी हो जाएगी कि हम पुराने टाइम में जा रहे हैं, मतलब आगे बढ़ने की बजाय हम कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं, और इंडिया जैसी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के लिए ये चीज पॉसिबल नहीं कि आज के टाइम पे बैलेट पेपर से इलेक्शन वगैरह करवाया जाए, क्योंकि उसमें धांधलेबाजी बहुत ज्यादा होती है। तो राइटर ये बता रहे हैं कि देखो कुछ भी हो उससे कोई बात नहीं है, बट अहम बात यहाँ पे है कि जनता का जो भरोसा है ना डेमोक्रेसी में वो बना रहना चाहिए। जब तक जनता का भरोसा डेमोक्रेसी में है तब तक वो डेमोक्रेसी चल रही है, और जिस दिन जनता का भरोसा डेमोक्रेसी टूट गया उस दिन क्या होगा, उस दिन होगा ये कि लोग वोट देने नहीं जाएंगे, और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा कि हमारी डेमोक्रेसी है वो धरी की धरी रह जाएगी। तो इसलिए इलेक्शन कमीशनर की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों के बीच में जो फेथ है इस चीज़ का कि भाई ईवीएम सही है नहीं है, ये सारी चीज़ें वो क्लियर करके रखें, और लोगों का एक तरह से ट्रस्ट वो बना रहे, इसलिए लोगों को कोई भी जो कन्फ्यूजन वगैरह मिसभ्रांति वगैरह है वो दूर रहे, जिसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये होगा कि हमारी डेमोक्रेसी है उसके ऊपर कोई भी लांछन वगैरह नहीं लगेगा। क्योंकि देखो 2019 के जो इलेक्शन होने वाले हैं उनमें बातचीत की जा रही है कि ईवीएम के साथ वीवीपैट का यूज हो किया जाएगा। अब देखो ये तो पॉसिबल नहीं कि वीवीपैट का यूज हो हर बूथ पे किया जा सके, कुछ कुछ बूथ पे एक तरह से आप क्रॉस चेक के लिए यूज कर सकते हो कि हाँ भाई यहाँ पे वोटिंग सही हुई नहीं हुई, यहाँ पे सही हुई नहीं हुई, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई काम सही हो रहा है नहीं हो रहा। क्योंकि देखो कई बार आरोप लग जाते हैं कि भाई ईवीएम में वो ढंग से काम नहीं करी, अब ईवीएम ये तो है नहीं कोई इंसान है जो बोल के कह देगा कि हाँ भाई मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं सही काम कर रहा हूँ, आप लोग झूठ बोल रहे हो, ऐसा तो कोई इशू है नहीं। इसीलिए इलेक्शन कमीशन को भी थोड़े स्टेप उठाने चाहिए, और जो इलेक्टोरल रिफॉर्म है उसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहनी चाहिए ताकि लोगों को भरोसा है वो बना कायम रहे, और हम इलेक्शन को और अच्छे से कंडक्ट है वो करवा सकें। तो ये बात यहाँ पे बेसिक की जा रही है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है कि भाई लैंग्वेज है उनकी डेथ लगातार बढ़ती जा रही है, बट उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस है वो किया गया है। देखो राइटर काफी अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे बता रहे हैं कि लैंग्वेज वो ऐसा तो है नहीं किसी को दिखती है कि हाँ भाई ये लैंग्वेज है, तो इनविजिबल चीज हो गई है, इसलिए इसके ऊपर कोई फोकस नहीं किया जाता है, कोई बात नहीं ठीक है। और बात कीजिए हमारी मीडिया की,
तो मीडिया को तो आप सब लोगों को पता है कैसी मीडिया है। हमारी मीडिया को सिर्फ और सिर्फ मसालेदार स्पाइसी न्यूज चाहिए ताकि अपनी टीआरपी वगैरह वो बढ़ा सके, बस अपना वोट बैंक है, अपना जो काम है मेन मोटो वो सिद्ध कर सके। उसे न्यूज वगैरह दिखाने से कोई मतलब नहीं है। आज के टाइम पे कोई इंसान मरता है, कोई जानवर मरता है, तो उसकी तुरंत न्यूज आ जाती है कि हाँ भाई यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, इतने लोग मारे गए वगैरह वो। बट कहीं ये नहीं बताया जाता किसी न्यूज चैनल पे कि देखो हमारी ये जो लैंग्वेज है खत्म होने जा रही है, इसको बोलने वाले लोग हैं वो खत्म हो गए हैं, इसको हमें प्रेजो करना चाहिए। वहां पे बातचीत की नहीं जाती है। क्यों नहीं की जाती? क्योंकि ये चीज लैंग्वेज हो किसी को दिखती तो है नहीं, तो इसलिए इस बात पे फोकस ही नहीं किया जाता। और ना ही जो टीआरपी वाले चैनल है वो इस चीज पे फोकस है वो करते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ा डाटा दिया गया है कि 1971 के टाइम पे देखा जाए तो हमारे देश में 1652 लैंग्वेज थी टोटल। अब बात यहाँ पे की जाए लैंग्वेज और कल्चर की, दो वर्ड आ गए, एक तो आ गया लैंग्वेज और एक आ गया कल्चर। तो राइटर ये कह रहे हैं कि देखो लैंग्वेज और कल्चर दोनों को अलग अलग करके चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ इतनी घुली मिली है कि हम इनके साथ इनका जैसे कि दूध के अंदर पानी मिक्स होता है, बट फिर भी हम उसको एक तरीके से नॉर्मली अलग नहीं कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि दोनों बहुत ज्यादा मिक्स है, क्योंकि लैंग्वेज और कल्चर दोनों के बीच में इंटरलिंक होते हैं। लैंग्वेज है वो कल्चर से कनेक्ट होती है, कल्चर है वो लैंग्वेज से कनेक्ट होता है, इसलिए दोनों मिक्सअप होती है। तो उन दोनों को साथ साथ रखना ही बहुत जरूरी हमारे लिए हो जाता है। स्टार्टिंग में देखो ये प्रावधान किया गया था कि जिस लैंग्वेज को 10,000 से कम लोग बोलेंगे तो उस लैंग्वेज को गवर्नमेंट वो प्रिजर्व करेगी। बट राइटर ये कह रहे हैं कि देखो ऐसा कोई स्टेप अभी तक उठाया भी नहीं गया है और इसके लिए हमें प्रॉपर स्टेप उठाने चाहिए। हो सकता है किसी एरिया में कम पॉपुलेशन हो तो वहां पे 10,000 को कहाँ से लेके आएंगे, वहां पे उस कम्युनिटी के लोग कम रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस लोगों को हमें प्रमोट करना होगा। वहां पे जो लैंग्वेज है उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ स्टेप उठाने होंगे ना, वो तो गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। फिर यहाँ पे बात की जा रही है एड शेड्यूल की, कि हमारे संविधान में आपको बताया कि एड शेड्यूल में 22 लैंग्वेज को इंक्लूड है वो किया गया है। अभी जो 22 लैंग्वेज है इनके ऊपर फोकस तो किया जा रहा है, बट इसके अलावा जो 22 लैंग्वेज के साथ जो अदर लैंग्वेज है उनके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि जो हाँ भोजपुरी, राजस्थानी और जो आप लोकल लैंग्वेज का यूज ले सकते हो, हरियाणी वगैरह, इन लैंग्वेजों को क्या किया गया है, इनको अंडर हिंदी रखा गया कि भाई ये हिंदी की सब लैंग्वेज है। तो राइटर ये कह रहे हैं कि जैसे मतलब भोजपुरी लैंग्वेज ले लो या फिर आप हरियाणवी ले लो, राजस्थानी, कोई भी लैंग्वेज ले लो ऐसी जो कि हिंदी के अंडर आ रही है, इस लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? अगर वो लैंग्वेज मर गई तो हिंदी तो जिंदा रही ना। मतलब यहाँ पे क्या रहा कि हम कहीं ना कहीं उन और जो लोकल लैंग्वेज है भोजपुरी, राजस्थानी, ऐसी जो लैंग्वेज है इनको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। हमें जो लोकल लैंग्वेज है ना इसको भी वैल्यू देनी चाहिए, क्योंकि हमारी लैंग्वेज है वो हमारे कल्चर को शो करती है, हमारी वो एक तरह से मदर टंग होती है, स्टार्टिंग से हमने उसको बोला है तो हमारे लिए काफी अहम होती है, वो हमें भी एक तरीके से रिप्रेजेंट है वो करती है। तो अंडर हिंदी का जैसे कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है वो कहीं ना कहीं इस चीज को शो करता है कि बस केवल जो मेन लैंग्वेज है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, बाकी लैंग्वेज पे नहीं। अब यहाँ पे राजस्थानी, भोजपुरी से लैंग्वेज अगर हिंदी हिंदी के अंडर, इसका मतलब क्या हुआ कि हिंदी को वैल्यू दी जा रही है, इन लैंग्वेज को कोई प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है। तो राइटर का कहना है कि भाई इन लैंग्वेज को भी वैल्यू है वो देनी चाहिए। इसी के साथ राइटर फिर बता रहे हैं कि हर साल 21 फरवरी को मदर लैंग्वेज डे है वो मनाया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। उसके लिए काफी स्टेप भी उठाने की बात की जाती है, बट वो सिर्फ पन्नों में ही धरे के धरे रह जाते हैं। इसके बाद में बात की जाती है कि देखो इंडिया के अंदर कि भाई इंग्लिश की, तो राइटर का ऐसा कहना कि देखो इंग्लिश को है ना इंडिया में सेकंड प्रेफरेंस पे रखना चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस पे जो मदर टंग लैंग्वेज है उसको होना चाहिए। इसके साथ ही बात की जाए मीडिया की, तो मीडिया को भी इस चीज को प्रमोट करना चाहिए कि जो लैंग्वेज खत्म होती जा रही है, जिसको बोलने वाले बहुत कम लोग बचे हैं, उसको प्रमोट किया जा सके। जब तक गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करेगी, मीडिया इसको लेकर एक्शन नहीं लेगी, तब तो लोगों को थोड़ी पता चलेगा कि भाई कहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये भी कुछ ना कुछ स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा उठाए जा सकते हैं। फिर यहाँ पे बात की जा रही है कि यूनेस्को के द्वारा क्या स्टेप उठाए जाते हैं। आपको पता है यूनेस्को है वो यूएन की एक स्पेशल एजेंसी है, तो उसके द्वारा भी लैंग्वेज को लेकर बहुत सारे स्टेप उठाए जाते हैं, लैंग्वेज को प्रमोट किया जाता है। इसके साथ ही देखो आज के टाइम पे क्या हुआ, एक ट्रेंड बन गया है कि इंग्लिश बोल रहा है इसका मतलब वो आदमी पढ़ा लिखा है, अगर अपनी लोकल लैंग्वेज बोल रहा है मतलब गंवा रहा है, अनपढ़ उसे कुछ पता नहीं है। ये ट्रेंड कहीं ना कहीं इंडिया को कहीं ना कहीं पीछे लेके जा रहा है, क्योंकि हमारी मदर टंग है उसको हमें यूज है वो करना चाहिए। आप बाहर की किसी भी कंट्री में जाके एक चीज दे सकते हो, चाइना में जाओगे वहां पे एजुकेशन मैक्सिमम चाइनीज लैंग्वेज में दी जाती है, जापान में जाओगे वहां पे जापानीज लैंग्वेज में दी जाती है, बट इंडिया में यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे लैंग्वेज बस इंग्लिश के पीछे पड़े हैं, इंग्लिश अच्छी बोलनी आ रही है, चाहे आपको कुछ भी ना पता हो बस इंग्लिश बोल रहे हो मतलब आप बहुत पढ़े लिखे हो। तो ये ट्रेंड कहीं ना कहीं हमें खत्म करना होगा और हमें हमारी जो लोकल रीजनल लैंग्वेज है उस पर फोकस करना चाहिए, कि वो हमारे लिए काफी अहम हो जाती है। अगर हम उसी को भूल जाएंगे तो हम हमारे कल्चर को छोड़ देंगे, इसी के साथ हम जब हमारा कल्चर ही नहीं बचेगा तो हमें फिर आगे वर्थ करने का क्या फायदा रहा। मतलब हमें हमारे कल्चर को भी सहेज के तो चलना है ना, कि वो भी हमारे लिए डाइवर्सिटी काफी अहम हो जाती है। फिर यहाँ पे राइट लास्ट में बता रहे हैं कि देखो इंडिया में लैंग्वेज के आधार पे काफी डाइवर्सिटी है, अगर उन डाइवर्सिटी को हमें कंटिन्यू बनाए हुए रखना है तो इसके लिए हमें स्टेप क्या उठाने होंगे, सभी लैंग्वेज को प्रमोट करना होगा। जो लैंग्वेज लुप्त होने के करार पे है उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ अलग से स्टेप है वो उठाने होंगे। तो ऐसे कुछ राइटर के द्वारा कुछ पॉइंट्स वो यहाँ पे दिए गए। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।